उतना बड़का स्टार ना बनी, मिलो में डर बाटे, मान लो मिलन चाय पानी पिए ली तुम्हारा साथ, तू धीरे सा इशारा करके, जिसे बोला ना कि आदमी कल चल रहे हो जा जाता, इशारा कर कुछ पनियों में डलवा दे लखनऊ से हम यहाँ चलो नहीं, तले पता चले कि वो में हमारे वजिए बैठ गई। हर जगह से छटा है, जो भैया के ऊपर दाग लगा है ना मेरे ऊपर लगा, मैं हर जगह से ऐसा बदनसीब इंसान हूँ कि ना ही कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो वो लगा था कि हम पवन सिंह मन की बात करब, काहे दादा उन्हें कहा धरती पर मानो ना। बाद आदमी थोड़ा सा घूमे फिरे लागल ना कि हाँ अब तो चल भाई कहीं घूमे का फिरे का, आदमी बात कर लागल, गांव जवार घूमे लागल, लौंडियाबाजी करे लागल। माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, वही डोली आके बघावा कहाँ दुनिया में सोर भइल बा। मौजूद हैं प्रेम झील स्टूडियो पटना में, जहाँ पे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ बैठे हुए हैं रजनीश तिवारी जी। इनका नाम पवन सिंह जी के साथ जुड़ रहा है, अब क्यों जुड़ रहा है, क्या कुछ पूरा कहानी है, सारा डिटेल आपको हम बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले स्वागत है। ठीक बा, स्वागत बा, लेकिन ऐसे मत बोला कि पवन जी से जुड़ रहा है तो लोग हमके चुनाव नहीं खेल रहे, तो लोग कह रही यार कहीं होता ना चुनाव लड़ी है। तो वायरल होने के पीछे की कहानी तो यही है कि आपकी जो वॉयस है वो पवन सिंह जी से मिल रही है, और काफी हद तक आप कोशिश भी करते हैं कि जो स्टाइल पवन सिंह जी का है वही मेंटेन करें। देखिए हमारे गुरु है, हर इंसान चाहता है कि बड़ा भाई के जैसा छोटा भाई भी बने, और अपना से कोशिश बाटे कि आदमी बने आप सबके बीच में, वो अच्छा अच्छा गाना लिया वे, अच्छा अच्छा आप सबके झुमावे। कलाकार देखिए इंटरटेनमेंट है, जिस नज़रिया से देखिएगा उस नज़रिया से आपके सामने मिलेगा, बट देखने का तरीका होना चाहिए आप किस निगाह से देखते हैं। एगो आदमी प्यारों करेला, एगो आदमी प्यार करला बहुत प्यार से, एगो आदमी करला बलात्कार से, तो आप किस निगाह से हमें आप देख रहे हैं, किस निगाह से दर्शा रहे हैं, ये पब्लिक हमारे जनता के ऊपर होला। अच्छा पवन सिंह से आवाज़ मिलती है आपको कब पता चला, किसने बोला ये चीज़? देखिए आज से नहीं, मेरा बचपन से ही ऐसा आवाज़ है, बट ज़्यादातर लोग हमारे 2016-17 से पौनवा पौनवा कहे लागल। ओकरा बाद आदमी थोड़ा सा घूमे फिरे लागल ना कि हाँ अब तो चल भाई कहीं घूमे का फिरे का, आदमी बात कर लागल, गांव जवार घूमे लागल, लौंडियाबाजी करे लागल, अरे वो बहुत बढ़िया भी, अरे नंबर उम्र दे का। तो ओकरा बाद आदमी कह गई तो पवन सिंह लिखा भरी, लग्नो मारता था पौनवे लिखा है, चलाता था पौनवे लिखा है, तो दुनिया जब वो निगाह से देखे लागल, तो आज आपके आशीर्वाद से रजनीश के नाम के आगे पवन लाग गई। अच्छा देखा गया है कि सोशल मीडिया पे आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लड़की से बात कर रहे हैं पवन सिंह जी बन के, जो भोजपुरी के पावर स्टार हैं, क्या वजह है वो? अच्छा कब लागा था कि हम पवन सिंह बन के बात करब, काहे दादा उन्हें कहा धरती पर मानो ना। लेकिन मेन का बने कि देखिए अगर मेरे से किसी का बात कर ले से, हम ना बात कर लेकिन लोग बात करा दे बेला, हमरा से बात करके अगर हुआ कि खुशी मिला था ना, तो यही वो नेक काम है। क्या कहानी रहे वो बात करे के पीछे, कहे ऐसा मन में आयल कि चलें एक एक कलाकार के पास कॉल लगाओ तनी बात करके देखते हैं? यही आशीर्वाद बाटे कि हम इतना दिन से गाना गावत नहीं, गावत गावत आज लड़का हर जगह से छटा है, जो भैया के ऊपर दाग लगा है ना मेरे ऊपर लगा, मैं हर जगह से ऐसा बदनसीब इंसान हूँ कि ना ही कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, बस माई बाप के आशीर्वाद मिले ला, उनके आशीर्वाद थोड़ा बहुत आपके बीच में गाना आ रहा बा देखा नहीं ना, तो अगर सपोर्ट मिली तो ना, जो चीज़ें आपके बीच में दिख रहा है कि हम मैं किसे बात कर लूँ, हम काहे बात करब, और ये बात करे का सिलसिला तब तो स्टार्ट हुआ जब हमको सुर संग्राम में बोला गया कि पहली बार गा रहे हो क्या है, ये बोला गया था जो लड़का ने अले पे डाला ऑडिशन दिया, हर चीज़ का दिया, आज हमारे साथ के रहने वाले लोग स्टार बन चुके हैं, मैं कहाँ हूँ अभी, फिर भी थोड़ा बहुत उठा हूँ तो उसमें भी लोगों का फट रहा है, अरे यार ये कहाँ से आ गया। बहुत सारी दिक्कतें होती है, बट मैं आज से नहीं बचपन से ही गाता हूँ। अच्छा पवन सिंह जी का नाम आपसे जुड़ रहे हैं लोग कि पवन सिंह जैसा आवाज़ है, पवन सिंह जैसा स्टाइल है, पवन सिंह जैसा डायलॉग बोलते हैं, तो क्या पवन सिंह जी से कभी आपकी मुलाकात हुई है क्या? नहीं, मेरा मुलाकात अभी नहीं हुआ है, और आगे भी होगा कि नहीं होगा ये भगवान जानते हैं। अब अपना टीम से कभी बात है? उनकी टीम से कभी बात हुई है? ना हमारे कबो नहीं के भाई, एक दो हाली मीटिंग भइल बा जो आजकल देख रेख में बड़े, लेकिन वो नहीं है कि लड़का इतना मानता है थोड़ा सा कराए, लेकिन नहीं यार कोई नहीं, पहले था कि हम मिले, अब डर लगा था मिले में, लोग इतना इतना लोग गलत अफवाह फैला देता गलत तरीका से कि भैया मिलवा तो ऐसे तू पता का कह देता बतियाओ तला, तो लोग लगता कि पवन सिंह बात करते, तो हो सकला भैया प्राइवेट में मिल, अब मिल तो कहीं गुड़गांव में रहला का,
सपोर्ट भैया तो हम उतना बड़का स्टार ना बनी, मिलो में डर बाटे, मान लो मिलन इच्छा है पानी पिए ली तुम्हारा साथे, तू धीरे सा इशारा करके, जिसे बोला ना कि आदमी कल चल रहे हो जा जाता, इशारा कर कुछ पनियों में डलवा दे लखनऊ से हम यहाँ चलनी, तले पता चले कि ओह में हमारे वजिए बैठ गई, तो भैया हमारे आवाज हमारे पहचान है। तो मिले से किकरा से मिले में डर लगा था? भैया से ही मिले में डर बा, पहले था कि हम मिला भैया के आशीर्वाद ले, लेकिन अब डर लगता है, काहे कि आप सब इतना आशीर्वाद दे रहल बनी जा, जिसे जिसे लड़के भाई जवान होता है उसे सबके लगता कि पवन सिंह है, तो कोई भी नहीं चाहता है कोई आगे जाए। देखिए कोई भी इंसान तभी बोलता है कि बेटा आगे जाइए जब आप किसी के जैसे नहीं है, जब आप उसके जैसा पढ़ने में नहीं तेज है, गधे हैं, अनपढ़ है, तब बोली। आ जब जान जी ना कि हमारा इतना पढ़ल बात हो कबू ना बोली, कोई ना कि कैसे आ गए यहाँ तक, कैसे नौकरी लग गई रे हटावे के। मतलब पवन सिंह से आप डर रहे हैं कि कहीं पवन सिंह जी के साथ पास मिलने गए तो किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए या फिर अनहोनी का अंजाम ना कुछ हो जाए? बात बताओ, जब न्यूज वाला हदक जाता है सोन, कुछ गलत न्यूज हो जाता तो पता चलता है या एफआईआर हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता है, हो सकला भैया हमारे ऊपर कुछ हो जाए तो हम घर के गई लेगा ही कैसे चलो हम, दिक्कत वही न। माई के दुलरुआ बेटा ही, माई का आशीर्वाद से हम कुछ गाँव तीन आज पवन या जोन भी हो रहा बनी आशीर्वाद आप सबके पास, वहाँ पर क्यों को नजर लग जाए। आज नजर लागल बा कि हमारे एक सप्ताह से गला बैठल बा, खैर आप सबके आशीर्वाद से आदमी न्यूज दे रहा बा जोन बा गाना रिकॉर्डिंग एक वैसे बैठल बा, लेकिन फिर भी अगर केहू के हमारे ऊपर निगाहें लग जाए तो सोच का हुई हमार इमाइये का आशीर्वाद बाटे कि फ्रैंक वीडियो जोन भइल तोन भइल, ना तो हम कबू न चले रही, हम कि आज भी उम्मीद रहे कि हमार भोजपुरिया समाज के जैसे हम कॉलेज में गाना गावत रही तो लोगन के ई माइंड में रहे हाँ का गावत रही पौनवा लिखा गावत था, जतन हमार भले कॉलेज में दुए गो लड़की दीवाना पढ़ रही सन, ठीक न। हमारा उम्मीद पे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन बा, लड़कन दीवाना ना रह सन, लड़कन से लड़ाई हो जाते रहे ना लड़कियन के लेकर के, ए भैया वो हमार सीटा पर बैठे हमार ही हाउ हमार ही देखिया थोड़ा सा तू बहुत जल्दी पटा ले बोलो, तो बहुत सारी क्लास का अलग बात होता है। बट अब का भइल ना कि आदमी जैसे जैसे जवान भइल एगो उम्मीद रहे, जब हम कैसेटो गौली उम्मीद तो हमारे बचपन में टूटे रहे, कैसेट गैली तो लागल कि हमारे गाना हिट हो जी ना भइल, ऑडिशन दिली नाले पे दहला सुर संग्राम बहुत सारे ऑडिशन जो है सुर के विजेता ई सब ऑडिशन दिली हर जगह से छँटल गैली। 23 में भी आयल तो जिसे आप जैसे भाई है बोले कि भैया ऑडिशन दीजिए आप गाते हो तो लगता है पवन सिंह महाराज, मैं नहीं मानता कि आपको कोई छांट देगा, वहाँ पे ऐसा डिसीजन हुआ जो पहले नहीं हुआ था कि आप पहली बार गा रहे हैं क्या, तो लोगों को लगा जो हमारे चाहने वाले हैं उनको लगा कि भैया के साथ फ्रेंक करना चाहिए कि भैया रियल में पवन सिंह है, तो उन लोगों ने टीम बनाया और बनाया कि नहीं बात कराते हैं और आप सबके आशीर्वाद से माइये का दिन बाटे कि उसे ही देखिए आदमी गलत रास्ते से या सही रास्ता से आए पर मंजिल की तरफ आए तो वहीं उसकी बहुत बड़ी बात होती है। तो माई के आशीर्वाद से कुछ वीडियो चल रहा बा, आप सबके आशीर्वाद से आदमी कुछ थोड़ा बहुत गा रहा बा, लेकिन फिर भी उम्मीद कम है बा, कहें कि अभी तक किसी का साथ नहीं मिला है, लड़की अगर कहीं से वायरल हो जाए तो सब स्टार साथ देवेला, लड़किया के साथ ना देवेला जब उकरियन दिख जाए, लेकिन फिर भी आप सब साथ हैं तो कोई मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी जब पवन सिंह यहाँ दिल में है जिसके सीने में श्री राम है तो हनुमान मिले या ना मिले वो तो अलग बात है। अच्छा एक बात, राम जी अयोध्या में थे लेकिन फिर भी सुग्रीव के पास हनुमान जी थे ना, तो हम कहीं तो है ना समय आएगा तो मिला जाएगा और मिला तब जाएगा, ऐसा ना हो कि आज हम बोलें कि भैया से मिलना है कल भैया बोले कि उनसे मिलना है, तो खुद को ऐसा बनाइए कि अगला वो बोले कि आपसे मिलना है आप कहाँ से हैं। अच्छा आवाज़ तो हूबहू दर्शक भी सुन रहे हैं देख रहे हैं तो चाहेंगे कि गाना भी उनका हो जाए जिसके तहत लगे कि ना हाँ पवन सिंह के तरह गाते भी हैं आप। आप बताओ क्या गा दी, बहुत सारा गाना बा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, वही डोली आके बघावा कहर दुनिया में सोहर भइल बा, वही डोली आके बघावा कहर दुनिया में सोहर भइल बा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा। गला बैठल बा भैया थाकल बनी थोड़ा सा ऐसे माफी चाहब, उतना हमके ना आवेला भैया के आशीर्वाद से आप सबके आशीर्वाद से आदमी थोड़ा बहुत गा देवेला, बस हमार हिम्मत हमार ताकत आप सब है, आप सब दीजिएगा तो हई रजनीशवा आगे चल पाई ना तो हम की ना आवेला, लोग तो चाहत बाटे कि हम आप सबके बीच में ना गाना ले आई,
जो कुछ भी अच्छा होता है देखते हैं लोग, किसी का नाम होता है तो आदमी उसको बदनाम भी करना चालू कर देता है। मेरे जीवन में एक चीज आपको बता दे, बॉलीवुड सलमान खान, एक सुशांत सिंह, वही चीजें हमारे जीवन में भी है। लोग चाहते हैं कि लड़का डिप्रेशन में चला जाए, सुसाइड कर ले, नो गए, कौन चाहता है ये चीज? बहुत लोग हैं भैया, नाम नहीं लूंगा, इशारा कर देता हूँ आपको। बट देखिए, बाप बाप होता है, बाप बाप ही रहेगा, बेटे के आने से बाप का दर्जा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो ये माइंड में गलत तरीका से थंबनेल, गलत तरीका से न्यूज करके कहीं पर लगा देना है, तो इस चीज से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप साथ दीजिएगा तभी हम आगे जाएंगे, नहीं साथ दीजिएगा तो नहीं जाएगा, नहीं। अगर भगवान ने बनाया है, अगर भगवान ऊपर वाला ना बिगाड़ी तो तुम्हारा अमर बिगड़ा, कुछ ना बिगड़ी।